सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास को जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है माई आइडिया इज गैंगनम ब्यूटी। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है गैंगनम शहर की, जहां ब्यूटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो ऐसे में एक लड़की होती है जो बहुत ही मोटी और बदसूरत होती है, इसलिए सब लोग उसे बुली करते रहते हैं। एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी। फिर जब वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने स्कूल में जाती है तो सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं और कई लोग उसके दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात स्कूल में लीक हो जाती है, जिसके बाद सब लोग उसे पहले जैसा ट्रीट करने लगते हैं। अगर आपने ट्रू ब्यूटी कोरियन ड्रामा देख रखा है तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 60 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप MS प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 9 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लव टू हेट यू। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोम कॉम ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक लॉयर और एक एक्टर की, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक तरफ हमें कहानी दिखाई जाती है मीरान की, जो एक अटर्नी होती है और उसे रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें कहानी देखने को मिलती है कांग हो की, जो एक फेमस एक्टर होता है, लेकिन उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे लड़कियों पर भरोसा नहीं है। तो मीरान और कांग हो किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों में किस से लव होता है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 50 से 60 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 8 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मूनलाइट रोमांस। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक गॉड और एक इंसान की। एक दिन यू लाओ, जो कि एक गॉड होता है, उसे धोखे से धरती पर भेज दिया जाता है, जहां उसे अपनी अंगूठी में दुखी तितलियों को इकट्ठा करना होता है ताकि वो वापस से स्वर्ग में जा सके। लेकिन एक दिन जब वो एक लड़की की तितली लेने जाता है तो गलती से उसकी अंगूठी से सारी तितलियां उस लड़की में चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब उसे दोबारा से हासिल करने के लिए उसे उस लड़की से प्यार करना पड़ेगा। तो भाग्य इस ड्रामे के अंदर क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 15 एपिसोड्स हैं, जिसका पर एपिसोड करीब 1 hour 30 minutes के अराउंड होने वाले हैं, जिसे आप MS प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 7 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लव अनएक्सपेक्टेड। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है सोनाओ की, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान अपने पेरेंट्स को खो देता है और साथ ही अपनी फीलिंग्स को भी खो देता है। यानी कि वो न तो दर्द महसूस कर सकता है और न ही किसी के लिए फील कर सकता है। एक दिन वो अपने लिए एक बॉडीगार्ड रखता है जिसका नाम होता है केसी। अब एक दिन दोनों की फीलिंग्स आपस में एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जब किसी एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द महसूस होता है। तो आगे उनकी लाइफ में क्या सारी चीजें होती हैं और क्या ये सब कुछ ठीक हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 24 एपिसोड्स हैं, जिसका पर एपिसोड करीब 45 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप MX प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 6 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द वन एंड ओनली। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे के अंदर कहानी दिखाई जाती है 3 महिलाओं की, जो अपनी अलग अलग बीमारियों से जूझ रही होती हैं। प्यो इन सुक, जो कि अपनी दादी के साथ रहती है, एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वो बहुत जल्द मरने वाली है, जिसके बाद वो एक धर्मशाला ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात 2 और लड़कियों से होती है जिन्हें उसी की तरह गंभीर बीमारी होती है। फिर ये तीनों मिलकर एक ऐसे आदमी का मर्डर करती हैं जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए होते हैं। तो अब ये तीनों मिलकर अपने को किस तरह से अंजाम देती हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 70 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप MS प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है दाजी ही की, जो अपनी लाइफ में हो रही चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपने पास्ट को फिर से बदलना चाहता है। एक दिन वो गलती से टाइम ट्रेवल करके 20 साल पीछे चला जाता है। वहां वो खुद को एक टीचर के रूप में पाता है, जहां वो खुद बचपन में पढ़ा करता था। तो अब वो अपने पास्ट में क्या सारी चेंजेस करता है और क्या उसके फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ड्रामे के अंदर टोटल 36 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप MX प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
सो नंबर 4 पे जो कोरिंडामा आता है उसका नाम है द गोल्डन स्पून। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक सुपर नेचुरल कोरिंडामा है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है लिसुंग की, जिसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़ी दादी से, जो उसे बताती है कि वो गरीब से अमीर बन सकता है सिर्फ एक चम्मच की वजह से। जिसके बाद लिसुंग उस चम्मच को खरीद लेता है और अपने अमीर दोस्त तायंग के घर जाकर खाना खाता है। तायंग के घर खाना खाने के बाद लिसुंग तायंग की जिंदगी जीने लगता है। तो अब आगे उसकी लाइफ में उस गोल्डन चम्मच की वजह से क्या सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 60 से 70 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 3 पे जो कोरिंडामा आता है उसका नाम है माई हॉरिबल बॉस। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर नामजंग की, जो इतने अच्छे होते हैं कि लोग उन्हें फादर थेरेसा और वॉकिंग यूनिसेफ कहते हैं। वही दूसरी तरफ ओके दाजंग, जो की यंगेस्ट टीम लीडर है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, वह 3 बार तलाक ले चुकी है और वो काफी ज्यादा गुस्सैल भी होती है, इसलिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। अब आगे की स्टोरी में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है और वो किस तरह से उसका बॉस बनती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 60 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 2 पे जो कोरिंडामा आता है उसका नाम है अडामस। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है दो जुड़वा भाइयों की, जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनका प्रोफेशन अलग अलग होता है। जहां एक प्रोसिक्यूटर होता है वहीं दूसरा नोवेलिस्ट होता है। एक दिन उनको अपने फादर के मर्डर के कुछ सबूत मिलते हैं, जिन्हें 20 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से मार दिया गया था। तो अब ये दोनों इस मर्डर मिस्ट्री को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 70 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 1 पे जो कोरिंडामा आता है उसका नाम है मीटिंग यू। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है नैंसी और सारुई की, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जहां नैंसी एक जीनियस स्टूडेंट होता है, लेकिन इतना जीनियस होने के बावजूद भी वह सोशल एंजाइटी से सफर कर रहा होता है और यही कारण है कि वह इंट्रोवर्ट बनकर जीता है। वहीं सारुई उसके बिल्कुल अपोजिट होती है और हमेशा अपने दोस्तों के सराउंडेड रहती है। तो अब एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की किस तरह से एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और उनकी ये दोस्ती किस तरह से धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो जाती है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 28 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 35 मिनट के होने वाले हैं, जिसे आप एमएस पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब होकर आए हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और हां गाइस, हमारी YouTube फैमिली बस 10K होने ही वाली है, तो जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस जल्द मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।